हेलो गाइस, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगो एंड आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही क्रिएटिव ग्रैनी की वीडियो। तो बेसिकली कल रात को मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ रहा था एंड तभी मैंने शब्बाना सिद्दीकी जी का ये वाला कमेंट देखा जहां पे उन्होंने बोला है कि आप ग्रैनी चैप्टर 2 में स्पेसिफिकली नो वेपन की चैलेंज करो। एंड मैंने सोचा कि मैंने ग्रैनी में आज तक कभी कोई चैलेंज नहीं किया है तो ये कुछ नया हो जाएगा, कुछ कूल सा हो जाएगा। तो हम ग्रैनी चैप्टर 2 में स्पेसिफिकली, क्योंकि बोला गया है, आज करने वाले हैं नो वेपन की चैलेंज। और इसके अलावा भी अगर कोई चैलेंज है जो आप चाहते हो मैं ग्रैनी चैप्टर 2, ग्रैनी चैप्टर 3 या किसी भी और गेम इविल नन वगैरह में करूं, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड इफ योर कमेंट गेट सेलेक्टेड आई विल गिव यू शाउट आउट। एंड ये हम ग्रैनी की दुनिया में डब्बे में बनते और ग्रैनी आ गई है पान मसाला चबाते चबाते और हमारे सर पे डंडा मार दिया। क्या बात है ग्रैनी, तू मेरे डंडा मार रही है, मैं तेरे मिक्की माउस उठा के मारूंगा क्योंकि मेरे पास डंडा है नहीं। सर पे बल्ला मारने के बाद ग्रैनी हमें अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जा रही है अपने घर में। आ ये ग्रैनी के 3-4 जो बचे हुए बाल है, क्या लग रहे हैं। और ग्रैनी की गंदी सी वाहियात, 1905 की ये गाड़ी जो अंग्रेजों ने ग्रैनी को गिफ्ट में दी थी, क्योंकि जब अंग्रेजों को इंडियंस पे जुल्म करने होते थे तो वो ग्रैनी को आगे करते थे। कभी कभार मैं सोचता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लाइक वीडियो जब देखता हूँ ना बाद में तो मेरे दिमाग में आता है कि व्हाट द हेल वाज आई सेइंग। और ग्रैनी जो है अपनी गड्डी में बिठा के सानू ले आई अपने कर, हुन गड्डी तो बिछा के लेके जावेगी मेनू तू अपने कर, फिर मैं तेरी ही कर में बैठ के जावांगा अपने कर। ओहो, डे 1 नो वेपन की चैलेंज, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। वेरी इजी बिकॉज़ दिस गेम इज इजी, इजी पीजी, बिकॉज लेमन स्क्वीजी। एंड ग्रैनी ग्रैंडपा तुम्हारे को लेमन स्क्वीजी कर दूंगा मैं। कुछ भी बोलता हूँ मैं फॉर रियल, लाइक जब मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा होता ना तो मैं रियलाइज नहीं करता मैं क्या क्या बोल देता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था। देर यू आर, अबे यार ग्रैंडपा ऊपर आते ही, एक तो मैंने गलती ये कर दी, मैंने इसको इजी मोड में ना लगा के मैंने इसको हार्ड मोड में लगा दिया है और ग्रैनी ग्रैंडपा वैसे ही तेज चलने वाले हैं, गेम शुरू हुई नहीं है पहले ही देर यू आर करके आ गए अंकल जी। ओहो हो स्वैक्स्टर, ओह ओह ये यहाँ भी आ सकता है क्या। आह स्वैक्स्टर, अरे लुक क्या दे रही है बे, आके निकाल के गोटियां खेलूंगा, चल निकल निकल, इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लाल जूते पहन के आके फाड़ फाड़ के घूर क्या रहे बे, सोड़े तोपते उला दूंगा बे, जा ना इसको तो यहीं से ऐसा मुक्के मारो। भाई गॉड, इसमें मुक्के मारने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ चुपके इसके घुसे घुसे मारता है, इसके काफ तोड़ देता, काफ्स भाई पता नहीं क्या बोलता रहता है। चल निकल, गया ना ये खौफ, याद रखियो। और वो देख तेरी शक्ल का सामने वहां पे कुत्ता बिठा रखा है, करते करते आ जाता है। नो वेपन की चैलेंज है यार, ये देखो तेरी कमी थी है, पान मसाला चबाने वाली आंटी बस आपकी ही कमी थी, आप भी आ जाओ। आजा आजा आजा, अभी तेरा पति गया है यहाँ पे, लिटरली बस एक सेकंड हुआ निकलो है और आ गई है, मैं भी आऊंगी। गेम स्टार्ट नहीं होती है, अपनी सी शक्ल लेके आ जाते हैं, ऊपर से भाई डिफिकल्ट मोड में लगा दिया है तो इतनी तेज तेज चल रहे हैं। अब वहां पे ग्रैंडपा बैठ के गाने सुन रहा है, ठीक है भाई मुझे घर में भूतिया घर में बंद करके दोनों बुड्ढा बुड्ढी डराओ और वहां पे बैठ के गाने सुनो, चिल मारो, वाह। अब मैं कह रहा था नो वेपन की है ना, बेसिकली मैं वेपन नहीं यूज कर सकता, तो वेपन नहीं यूज कर सकता उससे। बाप रे, माय गॉड, चौपटी मेरी। हाँ तो यार वेपन नहीं यूज कर सकता उससे क्या दिक्कत होगी, स्टन गन तो मैं फिर भी यूज कर सकता हूँ ना, स्टन गन यूज कर सकता हूँ, वेपन ना यूज कर पाने से कोई ऐसी दिक्कत तो ऐसा सच नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी बाद में पता चलेगा। अरे जाना, मैं खेलूंगा कैसे अगर तुम लोग मेरे सर के ऊपर खड़े रहोगे हर वक्त, तो आई थिंक मेरे को सबसे पहले जाके स्टन गन ढूंढनी चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा स्टन गन। तू जा, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, तू निकल, तू अपना आराम से अपने पति के साथ जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। भाई क्या चल रहा है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे ग्रैंडपा, हम इस घर से एस्केप करने निकलने आए हैं ना, कोशिश तो करने दो। गेम शुरू है,
दस हिरण है, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है पहला आता है, पहला जाता है दूसरा आता है। अब देखना, अब यहां से निकलूंगा तो ग्रहणी आ जाएगी, बता रहा हूं मैं। वो खुली नहीं अलमारी, ग्रैनी आ गई। Don't hurt this game! मैं सोच रहा था ग्रैनियों में जितनी भी है ना, ग्रैनी वन, ग्रैनी टू, ग्रैनी थ्री, आई थिंक ग्रैनी टू में मैं सबसे अच्छा हूं। और भाई कुछ नहीं हूं मैं अच्छा यार, ये मेरी किस्मत ही खराब है। I don't know what to do। कुछ भी कर लूं हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, कुछ नहीं करता मेरे, मेरे से कुछ नहीं होता। या हाँ, ऊपर तेरे बुड्ढा बुड्ढी लगी है मेरे को मारने यहाँ पे, तू अपने ऐसे धारियां से दिखा के डराता रहे मेरे को ऑक्टोपस कहीं के। I am going upstairs। रुको पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ कुछ पड़ा तो नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं पड़ा होगा यार, सब कुछ सबसे टॉप फ्लोर पे है। वेपन की नहीं है, वेपन का क्या ही करूंगा, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं भैया, मैं परेशान हो गया हूँ। साल मेरे को निकलने नहीं थे, मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गए, मेरे को जाने दो, मेरे को गेम ट्राई तो करने दो यार, वैसे ही वेपन नहीं यूज कर सकता तो मुश्किल बना रखे गेम। भाई आ गई, आ गई, प्लीज स्टन गन, स्टन गन प्लीज, स्टन गन लगा बुचा पापा लग गई। दो दिन ऐसे निकल गए क्या यार, अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। भाई ये बदतमीजी हो रही है, अब ज्यादा हो रहा है, ये सही नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए किसी को। इतना सताता है क्या कोई है, किसी को कोई क्या इतना सता। आ गई ग्रैनी, बोट की की मिल गया, यस लेट्स गो, बोट की की, बोट की मिल गई है, भोटे की मिल गई है, बोट में बैठ के मैं निकल जाऊंगा, बोट की। ओके अरे यार आ गई यार, मुझे प्लीज स्टन गन दे दो प्लीज, मेरे को बहुत डेस्परेटली चाहिए स्टन गन। ओ जा 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 नीचे जा, भाग के जा और तेज जा, इतनी तेज जा ग्रैनी, सुपर फ्लैश है तू तो। इसके अंदर कुछ तो था ना, डक्ट टेप का क्या करना है मैंने, इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर की नहीं चाहिए ना। ऊपर वाले फ्लोर पे स्टन गन ढूंढ लेता हूँ जल्दी से, और कुछ नहीं है, मीट नहीं चाहिए, पीस ऑफ पेंटिंग नहीं चाहिए, ग्रानी पैडलॉक की, बोट की का है, बोट की ओ सॉरी बोट की कह रहा हूँ, स्टन गन, स्टन गन, स्टन गन, स्टन गन, इसमें स्टन गन, डोर का लॉक, स्टन गन, स्टन गन, आजा खेलू हाइड एंड सीक तेरे साथ, आजा आजा खेलू तेरे साथ, आजा खेलू तेरे साथ हाइड एंड सीक, आजा ग्रैनी खेलू हाइड एंड सीक तेरे साथ, खेलू हाइड एंड सीक और ना, खेलना हाइड एंड सीक है, खेलना मेरे साथ हाइड एंड सीक। डोर का हैंडल, ओके ओके ओके, हाइड एंड सीक खेलेगी है छपरी, बुढ़िया हाइड एंड सीक खेलेगी,
खेल मेरे साथ हाइडेंसी, तेरे को बताता हूँ मैं। आ गई मेरे पास टन गन। ओके रेंच है, ये क्या है, हेलीकॉप्टर मैनुअल। हेलीकॉप्टर से मैं एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर में ऊपर वो निशाना लगाने वाला टास्क होता है और वो निशाना लगाने वाले टास्क के लिए चाहिए होगी हमको यस वेपन, वो जो हमारे पास है नहीं। ऊपर चल वो एक तो जिंदा भी इतनी जल्दी हो जाएंगे। स्टन गन बार बार हाथ में रखनी पड़ेगी यार। चलो स्टन गन मेरे हाथ में दे दो, स्टन गन मेरे हाथ में दे दो, ओए 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 स्टन गन जरा हाथ में ले लो। ऊपर चल के देखाते हैं एक बार। हाँ चल ऊपर चढ़, ऊपर वाले फ्लोर पे क्या क्या है। इधर मिलेगा हैंड व्हील, ओके, और प्लीज इन ड्रॉर में कुछ तो दे दो। नहीं प्लीज आखिरी में कुछ दे देना। वेपन की ही तो नहीं यूज कर सकता मैं। ऑल राइट चलो ग्रैनी वापस आ चुकी है। ग्रैनी ग्रैंडपा उनको वापस मौत के घाट सुला देते हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा ला 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 ला। ग्रैंडपा योर मिसेस इज नो मोर, डोंट यू वांट टू अवेंज हर डेथ। ओह क्रोबार विल गो, लेट्स गो। ग्रैंडपा आएगा आई नो। देयर यू आर। चल हट, लेट्स गो। क्रोबार लेते हैं, यहाँ इस फ्लोर पे जो डब्बा है वो खोलते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे जो डब्बा है वो खोलते हैं और होप करते हैं कि इनमें कुछ अच्छा निकला है। पीस ऑफ पेंटिंग एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहीं कहीं पे था, एक ये पड़ा हुआ। क्रोबार से खुलेगा ये, इसके अंदर है कट। अरे लेट्स गो। कटिंग प्लायर से पहले यहाँ की बिजली काट देते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर भी, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं है। ऊपर वो एक अलमारी है, ये अलमारी के अंदर हाँ ये कटिंग प्लायर्स लगेंगे। बैम बैम, और तेरी तो। ये क्या है, बोट का स्टेयरिंग व्हील। भाई बोट एस्केप हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बस फ्यूल रह गया है, बोट एस्केप हो गया है। अच्छा नहीं, स्पार्क प्लग भी चाहिए शायद, पहले इसको यहाँ रखते हैं। जिंदा हो गए होंगे ग्रैनी ग्रैंडपा, तेरा बुड्ढा तेरी बुढ़िया मर गई, इसको बचाने नहीं आएगा। आओ देख कैसे तड़प तड़प के मर रही है। आजा आओ ग्रैंडपा। अच्छा इसको तो सुनाई नहीं देता, ग्रैंडपा तो बहरा होता है। आ रहा है कहीं से तो लग रहा है, आ रहा है। Hey, your grandpa mate, you coming or not? इतने में तो ग्रैनी भी जिंदा हो जाएगी अब। ठीक भाई। Stupid grandpa, आया ही नहीं। अबे यार। अच्छा हम ना एक काम करते हैं, रेंच लेते हैं, नीचे जाते हैं, पानी घुमाते हैं। अच्छा यो यार ग्रैंडपा कितना निर्दयी है तू, दो बार मार दी तेरी पत्नी, तू एक बार नहीं मरा। क्या करेगा, देख के भी क्या कर लेगा। ओके ये इसको यहां पे फेंकते हैं, ये उठाते हैं। चल इसका वो कुत्ता होता है ना यहाँ पे करके जो कर रहा होता है। इधर नीचे चलेंगे, रेंच से ये पानी का सप्लाई जो सामने इस कुत्ते के होता है इसको फेंको।
ये इस तालाब में जो पानी भरा हुआ था वो गया, ऊपर से स्टनगन, ये पीस ऑफ पेंटिंग ऊपर ले चलते हैं जस्ट इन केस, वैसे तो किसी काम का नहीं है पर ले चलते हैं। चलो 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 चलो, अब तो बहुत तेजी से सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है भाई, लेट्स गो। पीस ऑफ पेंटिंग को इधर फेंक देते हैं, ग्रैनी को आह्वान दे दिया है हमने, आजा ग्रैनी तू मर जा, अपने बुड्ढे को भी बुला ले क्योंकि उसका मरना जरूरी है, वो नहीं मरेगा तो क्या होगा। आजो ग्रैंड पे, ग्रैंड पे अब भी आजो, आप मर जाओ, ये दे दो, अब पता क्या होगा, अब आपका वो करने वाला कुत्ता मरेगा। हाँ भाई कैसा है? मस्त, तू तू बता कैसा है? मर जा। अबे मेरी एमो दे, अपने नीचे छुपा के मर। एक सेकंड, एमो कहाँ गई? एमो कहाँ गई ब्रो? ये मेरी एमो खा गया, सेफ की। अरे यार कोई नहीं, एमो नहीं मिलेगी तो फिर बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा ग्रैनी ग्रैंडपा को, और क्या करेंगे, बम्ब से उड़ाएंगे, सेफ में मिलेगी। क्या बोट एस्केप हो गया भाई, फॉर रियल बोट एस्केप के लिए सब कुछ तो मिल चुका है। ओ ये यहां पे आ गई मेरी एमो, ये क्या हुआ है? स्टनगन की एमो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच गई, बट वॉट एवर, बोट एस्केप होने वाला है, देखो कैसे। हाँ ये जल्दी भर, जल्दी भर, जल्दी भर, जल्दी भर, लेट्स गो लेट्स गो, नो वेपन की चैलेंज कर देंगे। बस ऊपर से स्टनगन उठानी है, लेकिन उसकी एमो ये यहाँ पे आ रखी है। ओके बाय ग्रैनी, नीचे जाओ। अरे इसका कबूतर कहाँ मारा था मैंने, वो जो रो रहा था। ओ ओ, इसके पास मेरी स्टनगन पड़ी थी, एक्चुअली स्टनगन छोड़, बम से फेंकता हूँ, मारता हूँ। कहाँ आएगी ग्रैनी? ग्रैनी बम से उड़ने आ जाओ, ग्रैनी ये ग्रैनी आ जा, बम से उड़ना नहीं चाहती तू? कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी ग्रैनी? आएगी तो जरूर, इतना तो मैं जानता हूं। आ जा लास्ट डे, डे फोर। वो जब बम फेंका तो वो बम फटा नहीं, क्योंकि क्या बम फटने में टाइम लेता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं सोचा बम फेंकूंगा पड़ जाएगा, ग्रैनी उससे चल के आगे आ गई, बम वहीं पर रह गया। मेरे तो पोपट हो गया भाई, सारे मजाक छोड़ो। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, आया आया आया, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। अरे यार बम फेंकने के चक्कर में मैं अभी मेरा हट। ये बंद करो, ये उठाओ, वेट करो, पैरों की आवाज बंद हो गई, सीधा नीचे, सीधा नीचे, कुछ सोचे बिना।
ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, सीधा नीचे जाओ, लेट्स गो। ओके ये मेरे को नहीं पता ये एमओ यहाँ नीचे कैसे पहुंच गई, बट जो भी है आजा ग्रैनी, आजा बहुत तेजी से आ रही है ना, आजा। तेरी तो राइट साइड वाले दिल में मारा है अगली के, मार दिया। और तू कहाँ है? ए लप्पू से, लप्पू सा तो दादा है, तू भी राइट साइड वाले दिल में खा। खत्म। ओके अभी मैंने क्या किया था, मैंने सेफ खोला था, सेफ के अंदर मिला था गैसोलीन, वो हो चुका था। बोट के लिए और बोट का स्टेयरिंग व्हील चाहिए था जो ऊपर पड़ा हुआ है। ऊपर चलते हैं, बोट का स्टेयरिंग व्हील लेते हैं, जो जो है वो सब लगाते हैं, निकलते हैं। बोट एस्केप हो रहा है मेरे हिसाब से तो। मैं तो भूल भी गया कहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ था, सच में मेरी तो याददाश्त बहुत कमजोर है। हाँ ये रहा ना, जल्दी से नीचे जाता हूँ, बोट का स्टेयरिंग व्हील लगाता हूँ, ऊपर आता हूँ, शॉटगन उठाता हूँ, उन सबको मारता हूँ। और शॉटगन नहीं, स्टनगन, आई एम सॉरी। भारी मिस्टेक हो गया सर। ओके लेट्स गो। अरे यहाँ नहीं, कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, ऐसे प्लीज डोंट हगो एट दिस टाइम ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। बोट का स्टेयरिंग व्हील लगेगा इधर, ठीक है। बस यहाँ पे एक स्पार्क प्लग चाहिए और यहाँ के लिए एक पैडलॉक की चाहिए, बोट की ये पड़ी, खत्म। पैडलॉक की भी मेरे को पता है कहाँ पे पड़ी हुई है, वो ऊपर पड़ी हुई है। और स्पार्क प्लग नहीं मिला है एक्चुअली, स्पार्क प्लग कहाँ पे होगा? मैं कुछ सोचता हूँ। स्पार्क प्लग ढूंढना है अभी, कहाँ है ये स्पार्क प्लग? वहाँ होगा। Come on, Baman. लप्पू सा तो दादा है। बोलता वो है ना? There you are करके आ जाता है, जहाँ देखो। तू यही घूमता रहता है क्या, तेरे को जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं है? Nope. अब ग्रैनी भी आने वाली है, बस ऊपर से ना आ जाए, रो दूंगा मैं। लेट्स गो, शॉटगन आ गई, बस शॉटगन नहीं स्टन गन। आ जाओ ग्रैनी। आया। अपने लप्पू से दादाजी भी बुला ले जो नीचे गाने गा रहे हैं ना। पीस ऑफ पेंटिंग एक ये है, दो इधर है, चल। ओ दादे कहां से आ रहे है? आ भी रहे नहीं आ रहे? आ जाओ लप्पू सा दादा। इसमें कुछ पड़ा था यहीं कहीं पे ना, एक पैडलॉक की थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पड़ी थी पैडलॉक की। मेरी ऐसी मेमोरी थोड़ी सी लुल हो गई है। हैंड व्हील, अच्छा ये भी तो अभी लगा सकते हैं। अरे अभी तो बहुत कुछ है करने को यार, मैं सोच रहा था ये खत्म हो गई। वेपन की यही तो यूज नहीं हो सकती वेपन की यूज कर पाता का। फिर ये मैं क्यों लगा रहा हूँ पेंटिंग, वेपन की तो है नहीं इसके आगे, तो मेन काम तो जो है गोलियां मारना, उन पे निशाने लगाना, वो तो होगा नहीं। तो क्या कर सकता हूँ मैं इस वक्त, मैं ना क्या कर सकता हूँ यार, ऐसे लगा के देख ही लेते हैं पेंटिंग, यार देख ही जाएगी, क्या पता उस जगह पे ही कुछ मिल जाए। ऐसा उम्मीद करने में क्या जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लप्पू से दादा की लप्पू सी पेंटिंग लगा लेते हैं। आ रही है ना दादी? ओ ग्रैनी, लप्पू से तो दादाजी हैं, क्या है इसमें? लप्पू से दादा, लप्पू सी दादी, ग्रैनी ग्रैंडपा। कम ऑन प्लीज, यहां पे कुछ मिलना तो चाहिए, जमीन पे पड़ा हुआ कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब इसके आगे दरवाजा खुलेगा नहीं क्योंकि निशाना लगाने के लिए वेपन है ही नहीं। और स्टन गन से मैं निशाना नहीं लगाने वाला क्योंकि फिर उसकी एमो कहीं गुम वुम ना जाए। हैंड व्हील लेते हैं, नीचे चलते हैं,
ओ बाप रे, लप्पू से दादाजी। यहीं पे कहीं पे वो थी यार पैडलॉक की, कहाँ देखी थी मैंने पैडलॉक की, मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे ओ लप्पू से दादा, पैडलॉक की कहाँ रखी थी भाई, बता दे। क्या करूं मैं, क्या करूं इफ यू सी मी है। आई सी यू, आ जाओ ग्रैनी, आप भी आई जाओ। अब ग्रैनी जी आप भी आ जाइए, मर जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चल हट जा ना, हट हट जा, क्या साथ में ही चलेगी अब मेरे। डक्ट टेप, वेयर डिड आई फाइंड द पैडलॉक की, आई डोंट रिमेम्बर। हैंड व्हील का है, हैंड व्हील अभी तो मैं तो, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, सब भूल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। यहीं कहीं होना चाहिए हैंड व्हील, ये रहा। ग्लास फ्यूज किसी काम का नहीं है, मेरे को सिर्फ स्पार्क प्लग चाहिए, दैट्स इट। डोर का लॉक नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर की भी नहीं चाहिए प्रॉबेबली। पैडलॉक की मेरे को कहीं तो मिली थी, बाथरूम वाथरूम में थी, ऐसी किसी जगह पे थी। यहाँ पे ये लगाते हैं, इसको भी घुमा देते हैं। अच्छा ये तो खोल के देखा ही नहीं मैंने। आ रही है ग्रैनी नीचे, आजा आजा। मेरी स्टन गन पड़ी है ऊपर, जो चाहिए। ग्रैनी है इधर, इधर ग्रैनी है, लेकिन अगर मैं उसके देखने से पहले ये उठा के इसको ऐसा कर दूंगा तो क्या करेगी हैं? अरे लप्पू से ग्रैंडपा गाने गा रहा था, आया जरा तेरे को बताऊं। सोते सोते मर, क्रोबार लेते हैं, मेरे को बहुत मस्त चीज आ गई है, हो गया गेम खत्म, पार, ट्रस्ट मी इट्स ओवर। यहां पड़ा है क्रोबार, क्रोबार कहां रखा, इधर, सॉरी 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 गाइस, माय मेमोरी वेरी शॉर्ट। ये रखा क्रोबार, स्टन गन रखी थी इधर ही कहीं फेंकी है, याद रखना कहाँ फेंकी है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ फेंकी है, बिल्कुल कुछ नहीं याद रहता मेरे को, मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो गई है। अब ये क्रोबार लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं, दरवाजे के ऊपर के फट्टे हटाने हैं, ये बस, ये पैडलॉक की चाहिए, हो गया डोर एस्केप। पैडलॉक की मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा कहाँ थी, ऊपर थी नीचे थी। अरे स्पार्क प्लग भी मिल गया, हो गया बोट एस्केप भी हो गया, बोट एस्केप भी हो गया। निश्चय प्लीज सोच, पैडलॉक की कहां रखी थी, कहां रखी थी पैडलॉक की, सोच 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 सोच, बहुत तेजी से सोच, दिमाग पे जोर डाल के सोच। मैं कुछ सोचता हूं, कुछ सोचता हूं, पैडलॉक की कहां थी, मैंने देखी है। पैडलॉक की कहां थी, कहां थी, रुक जा, इस वाले फ्लोर पे तो पैडलॉक की कहीं नहीं है, इसके ऊपर वाले फ्लोर में, बाथरूम में नहीं भाई, बस पैडलॉक की। शिट मर गया, मैं सिर्फ पैडलॉक की भूल रहा हूं कहां पे थी। पैडलॉक की से दोनों एस्केप हो गए, बोट एस्केप भी, डोर एस्केप भी, बस पैडलॉक की कहां थी, सोच भाई सोच, लप्पू से निश्चय। ओ
ओह सामने वाले ड्रॉर में आई थिंक यस ये जो सामने ड्रॉर है आई थिंक इसमें है पैडलॉक की. लेट्स गो ग्रैंडी आ जा. ग्रैनी ग्रैंडपा गया तेरी ऐसी की तैसी लप्पू से ग्रैनी ग्रैंडपा. आई एम एस्केपिंग नो वेपन की चैलेंज सक्सेसफुली डन. डोर से जाऊं बोर्ड से जाऊं जल्दी बोर्ड से भी जा सकता हूँ पर बोर्ड से जाते हैं. डोर से तो कोई भी जा सकता है. डोर से जाना है इट्स सो मिडिल क्लास. मोनिशा डोर से तो कोई भी जा सकता है. हम बोर्ड से जाएंगे क्योंकि बोलो जुबा के शरी बैम बूम बैम इसको देखो एक दांत वाला ग्रैंडपा. सालों ने बहुत मारा. मैंने एक्चुअली में डिफिकल्ट मोड में भाई खेली है. मतलब इजी मोड पे कर सकता था मैं ये चैलेंज चाहता तो काफी इजीली हो जाता लेकिन मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं एंड कर दिखाया है. और भी इस टाइप के अगर कोई चैलेंजेस आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना क्योंकि एक्चुअली में मजेदार वीडियो बनी है. और अगर कोई और गेम लाइक इविल नन और इसके अलावा जो भी है याद नहीं आ रही उसमें भी कोई चैलेंज चाहते हो करूँ तो जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.